हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पी और क्यू किसी काम को करने में पी प्लस क्यू से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो बताइए पी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म से करते हैं तो देखो कैसे होता है। जैसे पी प्लस क्यू टाइम लेता है एक्स डेज, ये किसके बराबर है? 12 दिन ज़्यादा पी प्लस क्यू से पी, तो पी का आएगा एक्स प्लस 12, क्यू 3 दिन ज़्यादा तो क्या आएगा 1/x+3। ठीक है, पी प्लस क्यू का जो 1 दिन का काम है बराबर पी का 1 दिन का काम प्लस क्यू का 1 दिन का काम। ठीक है, इसको सोल्व करके अब हमें इक्वेशन फॉर्म में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि लेंथ ही हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा पी प्लस क्यू, ठीक है, पी और क्यू, मैंने माना कि ये एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये कितने में करेंगे, एक्स प्लस 12, बोला ना पी पी प्लस क्यू से 12 दिन और क्यू से एक्स प्लस क्यू लेता है 3 दिन ज़्यादा। ठीक है, हो गया। अब होता क्या है, जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स से ज़्यादा जो भी वैल्यू अपने पास में है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट रूट लगा के 12 × 3, कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6। पूछा क्या है मेरे को, पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पी का कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 12 है तो पी इज इक्वल टू 6 + 12, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पी अकेला किसी काम को करने में पी ए सॉरी ए अकेला किसी काम करने में ए और बी से 27 दिन ज़्यादा लेता है, और बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले लिखो ए प्लस बी एक्स, ए और बी, ए अकेला ए प्लस बी से 27 दिन ज़्यादा है ना, तो एक्स प्लस 27। ठीक है, बी अकेला ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स है तो 3 दिन ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा x+3। एक्स की लोकेशन निकालते हैं, जो अपने पास में ए और बी के अंदर एक्स से ज़्यादा डेज हैं उनका मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं। 27 × 3 कितना हो जाएगा, √81। किसका होता है, 9। अगर ए प्लस बी का पूछता तो मेरे पास में एक्स की आंसर आ चुका है 9 डेज। ठीक है, बट मेरे को पूछा किसका है, ए अकेला, तो ए कितना जाएगा, 9 + 27 कितना हो जाएगा, 36 डेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, सी की मदद से उन्होंने काम को 3 दिन में पूरा कर लिया और 1848 रुपये कमाए, तो सी का हिस्सा क्या था। ठीक है, अब कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, इतने इतने दिन मतलब देर से हम ओनली डे वाले क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे थे, अब रुपये वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं आज, है ना। तो मेरे पास में क्या है, ए 6 दिन, बी 8 दिन, सी की मदद से दोनों, है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी दिन आ जाएगा 3। तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, इतना जाएगा 24। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 को 24 से, 4 आएगा, ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। 8 को करेंगे 24 से, 3 क्षमता आ गई, ए बी सी 3 है ना, 3 दिन में ख़त्म करता है, 24 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अब
मैंने देखा ए 4 दिन, 4 काम करता है, क्षमता आ गई मेरे पास में ना, ए 4 काम करता है और बी 3 काम, और ए प्लस बी प्लस सी 8 काम, मतलब सी कितना कर रहा होगा, 1 काम, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। ठीक है, जो भी क्षमता है हमेशा उसको डिवाइड कर दें रुपए से, ये मेरे पास में कुल रुपए हैं, तो कुल क्षमता मेरे पास तीनों की मिला के कितनी है, 8, ना कि इन तीनों को मिलाएंगे, अपने पास में एबीसी की दे रखी है 8, तो एबीसी की ही लिखेंगे, मेरे को निकालना किसका है, सी का, सी का हिस्सा कितना है रेशियो में, क्षमता कितनी है सी की, 1, तो 1 सी का निकालने के लिए, 1 टोटल कितना है एबीसी, 8 इंटू 12, 18, 48, ठीक है, काट देंगे इसको, ठीक है, तो 8 दुनी 16, कितना बचेगा, 2, 8 3 24 और 8 1 8, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, सी का भाग, कितना रुपए सी को मिलेंगे। ठीक है, इससे आगे देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम कर पूरा कर सकते हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने दिन कितने घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, MDH/W, M1D1H1/W1 इजिक्वल टू M2D2H2/W2। M होता है मैन, D डे, H आर घंटे है ना, आदमी दिन और घंटे, अपॉन W होता है कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, तो 34 दिन, पहले 34 दिन दे रखा है, डे और 9 घंटे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है, 40% कैसे लिखेंगे, 40% होता है 40% बराबर 40/40/100, मतलब 2/5, मतलब अगर पहले 5 थी व्यक्तियों की संख्या, मतलब पहले मेन कितने थे, 5, 2 कम हो गई, अब कितने हो गए मेन, अब मेन हो गए 3। ठीक है, पहले मेन थे 5, नीचे वाला पहले पहले मेन थे 5, अब उसमें 2 कम हो गए, तो कि मेन कितने हो गए, 3। ठीक है, व्यक्तियों को 51 दिन, डेज कितने, 51, वो घंटे मेरे को निकालना है, एक्स मैंने उसको मान लिया। ठीक है, 17 के पारे से काट दो, 17 दुनी 34, 17 थी 51, वापस 3 और 3 कितना हो गया, 9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 × 2 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 10 घंटे। ठीक है, हमें जब भी दिन घंटे और काम क्वेश्चन में आ जाए तो मेरे को याद होना चाहिए MDH/W। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 13, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करते हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करो एक आदमी, दो बच्चा और एक औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे करना है इसको। ठीक है, मेरे को दे रखा है 2 मैन, मैन इंटू डेज, मतलब क्षमता इंटू दिन, क्या होता है टोटल काम। ठीक है, टोटल काम निकल गया, कि दूसरे टोटल काम निकालते हैं, काम तो एक ही है ना अपने पास में, 3 वुमेन है ना इंटू 4 डेज, ठीक है, इजिक्वल टू 4 चिल्ड्रेन इंटू 6 डेज। ठीक है, तो मेरे पास में ही कितना हो जाएगा, 6 मैन, 12 वुमेन और कितना जाएगा, 24 चिल्ड्रेन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा इनको 6 की टेबल से, तो क्या आ गया, 2 सॉरी 1 जा 6, 1 जा 6, 2 जा और 6 4 जा, तो 1 मैन, 2 वुमेन और 4
चिल्ड्रन बराबर आपस में। इनका एलसीएम निकालूंगा, 1, 2, 4 का कितना आएगा मेरे पास में एलसीएम? 4, 1 डिवाइड 4, तो मेन की संख्या कितनी आ गई? 4, 2 डिवाइड 4, वुमेन की संख्या आ गई 2, 4 डिवाइड 4, चिल्ड्रेन की संख्या आ गई एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब कुल काम किसी एक में रख के आप निकाल सकते हो, है ना, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, सेम आने वाला है। ठीक है, किसी भी एक में रख लो आप। तो टोटल काम निकालता हूँ मैं, टोटल वर्क क्या जाएगा मेरे पास में, जैसे मेन का रखता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 4, मेन एम की जगह क्या रखा मैंने, 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। अगर मैं यहाँ पे रखता चिल्ड्रेन 1 तो 6 4 जा 24 ही आता, 2 रखता तो 3 2 जा 6 और 4 24 ही होता। ठीक है, अब क्या बोला है मेरे को, टोटल काम निकल गया, एक मैन, दो बच्चा और एक औरत। ठीक है, एक मैन, दो चिल्ड्रेन और एक वुमेन। ठीक है, अब जो जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, कितनी है, 1 इंटू मैन की कितनी है 4 प्लस 2 इंटू चिल्ड्रेन की 1, 1 इंटू वुमेन की कितनी है 2, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, टोटल क्षमता निकल के आ गई मेरे पास में, टोटल काम कितना है 24, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 24 अपॉन 8, 3 डेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, पहले हम टोटल काम निकाला, तीनों को बराबर रखा क्योंकि टोटल काम तो अपने पास सेम है, फिर उनसे क्या निकाला, मेरे पास में एक मैन, दो वुमेन और 4 चिल्ड्रेन बराबर आ गए, उनसे मैंने एलसीएम निकाला, फिर उनकी क्षमता निकाली, क्षमता निकालने के बाद में मैंने उनका टोटल काम निकाला, टोटल काम निकालने के बाद में मैंने जो दे रखा था लास्ट में उनकी क्षमता रख के उनका टोटल एक दिन का काम निकाला, टोटल काम में एक दिन का काम का डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, 14, 3 मैन प्लस 4 वुमेन, डब्ल्यू मतलब वुमेन, मैं एम मतलब मैन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं वहाँ पे एग्जाम में ना, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि 4 मैन 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ज्ञात कीजिए 7 मैन 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन इंटू 16 समता इंटू डेज, टोटल काम 4 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू 12, टोटल काम बराबर, काट दो आमने सामने क्योंकि इंटू में है ना, 4 से काट दो, 4 जा 3 जा, अब जो है ब्रैकेट खोल ओपन कर लो, 12 m प्लस 16 w इज इक्वल टू 12 m प्लस 9 w। अब एम एम को एक तरफ लिया, डब्ल्यू को एक तरफ लिया, डब्ल्यू को इधर लाऊंगा तो 9 ये माइनस में हो जाएगा इधर आके, ठीक है, क्योंकि ये तो चला जाएगा इधर, तो 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा, 60 माइनस 9 कितना होता है, 16 w माइनस 9 w इज इक्वल टू 12 मैन, माइनस का कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 12 मैन, ये तो हो जाएगा 0। मेरे पास में इधर क्या आ जाएगा, 7 वुमेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ये मैं इधर लेके आया, ठीक है, मैंने चेंजिंग किया है इसको। ठीक है, तो वुमेन मेरे पास कितनी आ गई, 0, अब वुमेन की एफिशिएंसी 0 है। ठीक है, अब मैं रखूँगा किसी एक के अंदर, ठीक है, तो रखते हैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, किसी जैसे मैं पहले मैं इसमें रखता हूँ, डब्ल्यू की क्षमता 0 आ गई, जो भी कर रहा है मतलब मेन कर रहा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे किसी एक में भी, तो अपने पास टोटल काम आ जाए, टोटल काम अपने पास निकालूंगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू किसी एक में रखूंगा तो 3 m प्लस 0, डब्ल्यू की जगह 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा इधर वाला, इंटू 16, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 48 m, टोटल काम आ गया। ठीक है, अपने पास एम की क्षमता अपने पास में नहीं है ना, अब यहाँ निकालना क्या है मेरे को, 7 m प्लस 4 w, तो रखूँगा यहाँ पे 7 m प्लस 4 w जो निकालना है, तो यहाँ पे 7 m को m रख दूँगा,
यहाँ 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा, 7 m ओनली। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, जो दिन निकल के आ जाएगा मेरे पास में 48 m / 7 m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 / 7, ये आ जाएगा मेरे पास में डेज। डेज कभी पॉइंट में नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल देखते हैं इससे आगे। थैंक यू, कल नया चैप्टर देखते हैं कोई अच्छा वाला, ठीक है, जो एग्ज़ाम पर्पज से अच्छा हो।